अरे ललिता, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? तुझ जैसे कड़वे करेले को शक्कर की क्या जरूरत पड़ गई? जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। तू मेरे ऊपर ताने क्यों कस रही है? तूने अमृता के सामने जो मेरी तारीफें की है ना, उसने सब बता दिया है मुझे। तो उस चुगलखोर ने सब चुगली कर दी क्या? इस मोहल्ले की अव्वल दर्जे की चुगलखोरनी तो तू है। गोपाल नगर में रहने वाली गोपी चुगलखोर का एक ही पेशा था, लोगों की चुगलियां करना। अमृता को आता देखकर गोपी कहती है, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा, अब मजा चिखाती हूँ इसे। गोपी अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में? मैं सिर्फ आने वाले भूकंप को भापने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे भला? भगवान झूठ ना बलवाए। वो देखो, सामने से भारी भरकम कोमल रानी आ रही है। आज तेरे घर के कुर्सी सोफे में से एक हाथ तो लंगड़ा होकर ही रहेगा ना। कल ही तुलसी ने नई कुर्सी मंगवाई थी, ये हथनी जैसे ही कुर्सी पर बैठी, चर से कुर्सी का अंतिम संस्कार हो गया। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मैं तो चली। चुगलखोर गोपी की बात अमृता के मन में घर कर जाती है। अरे अमृता, हम तुम्हारे पास ही आवत थे, चलो अंदर चलकर बतियाते हैं। अरे कहीं ये बुलडोजर ने वाकई मेरा सोफा तोड़ दिया तो? अरे तुझे क्या हो गया? तू तो ऐसा बुत बन के खड़ी हो गई। अरे ये अपना थुलथुला शरीर लेकर चलती बन यहाँ से। पता नहीं किस मूर्ख ने कोमल नाम रख दिया तेरा। अरे बहुत खिली उड़ा ली तूने मेरी। हम खाते पीते घर से हैं, तुम्हारे जैसी भूखड़ परिवार से नहीं हम। एक जोरदार आंधी चली ना तो आकाश पे पहुंच जाएगी तू। दोनों के बीच में घुमासान भिड़क चल उठती है। दूर खड़ी गोपी इसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अरे ये कार्यक्रम देखकर तो मजा ही आ गया। मुझे कहते हैं गोपी रानी। अपनी चल चलीती बोल से मीठा मीठा घर भी बना सकती हूँ और बिगाड़ भी सकती हूँ। गोपी जैसे ही घर पहुँचती है तो बेटा कहता है, अरे अब किसकी चुगली करके आ रही है आप? अरे मैं कोई कैकई मंत्रा हूँ जो चुगलखोरी करूंगी। अरे मुझे कुछ लत लगी है चुगलखोरी की, जो हर वक्त चुगलखोरी करूंगी। अरे ये आपकी धीमी धीमी मुस्कान बता रही है कि आपने आज फिर कोई झगड़ा करवाया जरूर है। वैसे मां क्या मिलता है आपको ये सब करके? बड़ा मजा आता है जब तक मैं इनकी चुगली न कर लूँ ना, मेरे पेट में दर्द रहता है, खाना हजम नहीं होता। आपकी ये चुगली करने की आदत एक दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अमन ये सब कहकर ऑफिस रवाना हो जाता है। वहाँ दृष्टि उसकी आंखें मूंदती है। अरे आज ये लुका छुपी का खेल क्यों? माँ से हमारे बारे में बात की? दृष्टि वो दरअसल मैं, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। दरअसल मुझे एक बात का डर है। असल में मेरी माँ के अंदर एक खामी है, जब तक वो लोगों की चुगली ना कर लेना उनको चैन नहीं आता। अरे तो क्या हुआ? हमारे अंदर तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बस थोड़े दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन गोपी कहती है, अरे बहू रानी ये सुबह सुबह मटकती कहाँ चल दी? माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं दफ्तर जा रही हूँ। उसके जाते ही गोपी माथा पकड़कर धम से सोफे पर बैठ जाती है और हो गई नौटंकी शुरू। तभी अमन माँ से पूछता है, अरे माँ क्या हुआ, ये माथा पकड़ के क्यों बैठी हो? अरे जिस घर की बहू आते ही चाकरी करने निकल जाए वो कोई झूम बराबर का नाश्ता दिखाएगा नहीं। ये ना नई बहू को जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। अमन अपनी माँ की चुगलखोरी की आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए कहता है, माँ आजकल मर्द और औरत सभी बराबर हैं। और माँ की बात को इग्नोर करके चल देता है। अरे
ये बहू की आते ही मेरे बेटे के तो तेवर ही बदल गए। मैंने बहू के खिलाफ इतना फूट डाला लेकिन मेरे बेटे पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। पूरा दिन घर में बोर होने के बाद गोपी सोचती है, बहुत हो गया सारे दिन घर में, चलो जरा मोहल्ले की खबर ले लेती हूँ। जैसे ही उसे आता दिखती है मोहल्ले की औरतें कहती हैं, अरे वो देखो चुगलखोरनी महारानी पधार रही हैं, आने दो आज इससे सारा हिसाब चुकता कर लेते हैं। क्या बात है, आज तो दो परियों के साथ कोमल रानी भी यही है। कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर के ही चर्चे चल रहे हैं। हाँ सुना है तुम्हारे बेटे ने प्रेम दिया रचा लिया है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को मेरे घर में ताका झाकी करते? हाँ तो कल तक जो तू दूसरों के घरों में ताका झाकी करती थी वो अपने घर की बात आते कैसे तिलमिला उठी चुगलखोरनी। जब तू दूसरों के घरों की चुगलखोरियां करती थी तब की बात बताना। गोपी नाराज होकर वहां से चल देती है। शाम को बहू और बेटा घर आते हैं। बहू रोजाना की तरह घर का कामकाज निपटाती और सवेरे फिर से दफ्तर निकल जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह, बेटा मुझे लगता है तेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती, मुझे कामकाज तो वो खुद नहीं करने देती और जवाना बोलेगा मैं बहू पर अत्याचार करती हूँ। अरे माँ तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, ये तो हर सास चाहती है कि उसकी बहू घर के कामकाज की हर जिम्मेदारी संभाले। किचन में खड़ी दृष्टि के सब्र का बांध टूट जाता है और वो आकर कहती है, सासू माँ आप सीधा साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको दिन भर चुगली करने के लिए एक साथी की जरूरत है। देख बेटा बहू कैसे ले जिसे बात कर रही है मेरे साथ। तो माँ सही कह रही है ना दृष्टि? हाँ, अब मेरा कोई काम नहीं है यहाँ, तू मुझे विदाश्रम ही छोड़ा। दृष्टि अपनी सास की चुगलखोरी की आदत को बहुत अच्छे से जानती थी इसलिए वो बात को बढ़ाने की बजाय वहाँ से चली जाती है और गोपी अपना दिल लगाने के लिए बाहर आकर सफाई करने लगती है। तभी कुछ औरतें उसके पास आती हैं। अरे गोपी बहू के गोदे तू घर का काम क्यों कर रही है? अरे हाँ गोपी आज तूने अपनी चुगलखोरी के प्रसाद नहीं बांटे। अरे कहीं दिमाग की पत्ती तो नहीं गुल हो गई? अरे बहू का क्या पूछती हो, एक भी तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं करती। यूं ही सुबह उठती है, मेकअप धोती है और दफ्तर निकल जाती है और सारा काम बुढ़िया के कंधों पर डाल जाती है। सभी गोपी चुगलखोरनी की बातों में आ जाती हैं और फिर बस रोज यही होता है, रोज वो औरतों के साथ अपनी बहू की चुगलियां करती। एक दिन दृष्टि अपनी सास से कहती है, सासू माँ जब घर में दो नल पानी के लिए मौजूद हैं, तो आप पानी भरने के लिए कुएं पर क्यों जाती हैं? अरे बहू रानी तो क्या अब तो मेरे बाहर आने जाने पर भी पाबंदियां लगाएगी। शाम को जब दोनों दफ्तर से वापस आते हैं तो बेटा गोपी को सोफे पर बैठे देख के कहता है, माँ क्या बात है आज तूने चुप्पी का रोजा रख लिया क्या? अमन जब से हम आए हैं माँ सिर्फ सधे लाकर ही जवाब दे रही है, आवाज नहीं निकाल रही। गोपी अपने गले की तरफ इशारा करती है और बताने की कोशिश करती है कि आवाज नहीं निकल रही। अरे माँ आपके गले से आवाज नहीं निकल रही, आपको मैंने पहले भी समझाया था माँ कि ये चुगलखोरी की आदत छोड़ दीजिए, एक दिन ये आदत बहुत नुकसान पहुँचाएगी आपको। दृष्टि सासू माँ के लिए काढ़ा बनाकर लाती है। सासू माँ ये काढ़ा पी लीजिए, सुबह तक आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा। दृष्टि सारी रात अपनी सासू माँ की सेवा करती है और सुबह, माँ जी कुछ चाहिए क्या? बहू अपनी चुगलखोर सास को माफ कर देना, मैंने हमेशा सबकी चुगली की और सबका घर बिगाड़ा। माँ जी इंसान की जुबान एक कटार जैसी है जो घर बनाने से ज्यादा घर को बिगाड़ती है और ये हमारे इख्तियार में है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी की चुगली नहीं करूँगी। दोनों सास बहू के दरमियान चुगली की ये दरार खत्म होकर दोनों की जिंदगी सफल हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों
कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।